तुमने नोटिस पढ़ी? कल हम सबको राठी सर चिड़ियाघर लेकर जा रहे हैं। तब तो वहाँ सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया होगी। So boring. OMG, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़िया नहीं होती, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। सारे एनिमल्स तो हम बुक में ही देख चुके हैं, फिर ज़ू में जाने का क्या फायदा? तब तो बुक में खाने की पिक्चर देखकर तेरा पेट भी भर जाता होगा। जीवा, मुझे तो जानवरों से बहुत डर लगता है। अले डलने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं तो किसी से भी नहीं डलता हूँ। अच्छा, शेर से भी नहीं? नहीं। ये तो नकली शेर से डर गया, असली शेर सामने आएगा तो इसकी पैंट गीली हो जाएगी। यार बुध, अपना स्कूल क्या चिड़ियाघर से कम था जो राठी सर हमें यहाँ लेकर आए? हाँ, जीवा को देख लिया तो हाथी देखने की जरूरत नहीं, राठी सर को देख लिया तो जिराफ देखने की जरूरत नहीं, दुबे सर को देख लिया तो कछुआ देखने की जरूरत नहीं, सायरा मायरा को देख लिया तो हिरन देखने की जरूरत नहीं, मुकेश रमेश और गणेश को देखा तो बंदर देखने की जरूरत नहीं, और हमें देख लिया तो मुर्गे देखने की जरूरत नहीं। अले, अब मैं गोरिल्ला के साथ सेल्फी कैसे लूं? अरे वो देख, गोरिल्ला के हाथ में कैमरा। अरे कैमरा जीवा के हाथ में है और वो गोरिल्ला की फोटो खींच रहा है। एक ही बात हुई ना पार्टनर। चल हम भी फोटो खींचते हैं। अरे जीवा क्या कर रहा है? देख नहीं लाए, गोरिल्ला के साथ सेल्फी ले लाऊं। तो सिर्फ गोरिल्ला की फोटो खींच ले और तेरी सेल्फी है ऐसा सबको बोल दे। ए तुम, दिखा कैसी आई सेल्फी। अरे वही तो प्रॉब्लम है, कैमरा टर्न करता हूँ तो क्या फोटो ले लाऊं दिखाई नहीं देता। तो हम है ना, हम तेरी फोटो खींचते ताकि कल जब तेरी मम्मी फोटो देखे तो उन्हें पता चल जाए कि तू कितना स्मार्ट है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये लो कैमरा और मेरी अच्छी अच्छी फोटो खींचो ताले एनिमल्स के तार। अरे इसमें मजा नहीं आ रहा, जीवा को थोड़ा पीछे खड़ा करो पिंजरे के पास। जीवा थोड़ा पिंजरे के पास खड़े हो जा। अरे यार गोरिल्ला को तो दिखने दे, थोड़ा लेफ्ट हो जा लेफ्ट। नहीं जीवा तू समझ नहीं रहा है, वो वहाँ जाके जीवा को बता कि कैसे खड़ा होना है। गोरिल्ला की आवाज सुनकर जीवा को मम्मी याद आई। जीवा अब तो तेरी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आएगी। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आएगी? क्योंकि तेरे पीछे ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा खड़ा है। अरे थोड़ा स्माइल तो कर। अरे मिला कैमरा, ये बंदर तो कैमरा लेके भाग गया। मैं अरे चिल्ला मत, ये जू है, यहाँ शोर मचाएगा तो शेर आ जाएगा। लेकिन मेरा कैमरा। अरे हम है ना, हम तेरा कैमरा ला के देंगे। अरे ये कैमरा अकेला नहीं, चल इसे वापस दे। क्या कर रहा है दोस्त, कैमरा गिर जाएगा। अरे ये तो सेल्फी ले रहा है। इसको के तो सेल्फी लेने आता है। अरे यार ये तो हाथी के पिंजरे में चला गया। अब तो हाथी मेरे कैमरे को कुचल देगा।
हेलो डॉग, ये तो सबसे बेस्ट सेल्फी स्टिक है। जीवा, ये तो तुमसे भी अच्छा फोटो खींच रहा है। लगता है यहाँ के जानवरों की शादियों में यही फोटो खींचता होगा। लेकिन जानवरों की शादी कहाँ होती है? होती है, लेकिन वो हमें अपनी शादी में नहीं बुलाते। लेकिन हम भी उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाते ना? बुलाते हैं ना, तभी तो दूल्हा घोड़े पे बैठता है। मिला कैमरा, अब मम्मी बहुत डांटेगी। क्या बात, बुद वेरी गुड। अब लाओ मुझे दो कैमरा। अरे ये क्या किया, कैमरा फिलते बंदर को क्यों दिया? अरे वो तुझसे अच्छी फोटो खींच रहा है ना। इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे खेल का माच लगा के दलाते। मेरा कैमरा बंदर को देते। अब दीवा के दिमाग में कलबली मत लाइए। अरे वो देख, उस पिंजरे में गया वो बंदर। मर गए दोस्त, हम तो शेर के पिंजरे में आ गए। इससे पहले कि ये जाग जाए, चल हम भाग जाए। खोलो, कोई दरवाजा खोलो। लगता है दरवाजा लॉक हो गया। बाप रे, ये तो हमें खा जाएगा। चल इस सीढ़ी पे चढ़ते हैं। बुद, जल्दी से इस घास में छुप जा। क्योंकि शेर घास नहीं खाता ना। पार्टनर, वो देख दुबे सर। हाँ, आज तो दुबे सर की परीक्षा होगी, देखते हैं वो हमें बचा पाते या नहीं। सर, सर, सर! तुम लोग यहाँ, सारे बच्चे उधर हैं और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमको चुप करा रहे हो? यार, दुबे सर तो फेल हो गए। अब क्या करें? चुप, ये तो हमें मरवा के रहेगा। लगता है ये आज हमारी आखिरी फोटो खींच के जाएगा। आइडिया। अरे ये आइडिया नहीं, लॉलीपॉप है। वाह, तूने क्या खेल खेले। पार्टनर, आखिर अपना कैमरा मिल गया। अपना नहीं, ये मेरा कैमरा है। जीवा तू? क्यों, मुझे डलपोक कह लेते ना। बोल लेते कि दीवा तो नकली तेल से भी जल जाता है। अब समझ में आया कि कौन डरपोक है। यार जीवा ने तो हमें डरपोक साबित कर दिया। अब मैं सबको बोल दूंगा कि तुम कैसे जल गए थे। तूने तो दुबे सर को भी डराया था, सच बोलेगा तो फंस जाएगा। अरे बुद्ध और बद्री, तुम ठीक तो हो? दुबे जी ने बताया तुम लोग शेर के पिंजरे में चले गए थे। हाँ सर, चले तो गए थे, लेकिन हम सही सलामत बाहर भी आ गए। लेकिन वो कैसे? सर, हम दोनों शेर के साथ लड़े और शेर हमसे डर के पिंजरा छोड़कर भाग गया। वाह, तुम दोनों तो बड़े बहादुर बच्चे हो। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया घर में जानवरों के पिंजरे के अंदर कभी भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सर, अगर शेर पिंजरा तोड़ के भाग गया है तो वो यही जू में ही खुला घूम रहा होगा। भागो, शेर, शेर! देखा जीवा, सुना नहीं राठी सर ने क्या कहा? हम डरपोक नहीं, बहादुर बच्चे हैं। दाएं दाएं से। वो देखो पीछे, शेर। मम्मी।
Ha 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 ha!